हेलो फ्रेंड, जय माता दी। कैसे हो आप सब? माता रानी आप सभी को ऐसे ही खुश रखे। और देखिए, यहाँ पे हमने मिट्टी के जो गरबे आते हैं, जो रोज़ छोटे छोटे बच्चियाँ लेके आती है, एक साथ में हमने रखती है, कितने अच्छे लग रहे हैं ना फ्रेंड। तो आज हम स्पेशल माता रानी के लिए भोग यानी कि प्रसाद बनाएंगे और सारी बच्चियों को खिलाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमने ले लिया है 1 से 1.5 लीटर जितना दूध को। दूध को हमने पहले यहाँ पे चढ़ा के रबड़ी बना लेनी है कुछ इस तरह से। 8 से 10 मिनट में रबड़ी अच्छे से बन जाती है। रबड़ी हमारी बन चुकी है, अभी हमने इसको साइड में चढ़ा दिया है। अभी दूसरा पैन ले लेंगे, उसके अंदर डाल देंगे 1 कप भर के साबूदाना, आधा कप भर के डाल देंगे मूँगफली और आधा कप भर के डालेंगे यहाँ पे मखाने। तो यहाँ पे फ्रेंड आप ड्राई फ्रूट डाल सकते हो जो डालना चाहो वो। तो इधर देखिए, हमने रबड़ी बना ली थी, उसके अंदर डाल देंगे 1 कप भर के चीनी। तो चीनी हमने लास्ट में डाली है फ्रेंड, लास्ट में डालने से चिपकती नहीं रबड़ी। तो लो फ्लेम पे हमने 2 मिनट के लिए और रबड़ी को चला लिया था। अभी हम यहाँ पे गैस को कर देंगे बंद। देखिए, हमारी चीनी घुल चुकी है। अभी यहाँ पे हमने फ्राई यानी कि ड्राई रोस्ट करने के लिए मखाने, मूँगफली, साबूदाना लिए थे। वो अच्छे से क्रिस्पी हो जाए तब तक हमें यहाँ पे इसको चलाते रहना है। देखिए, क्रिस्पी हो चुके हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे हम ये प्रसाद उपवास में भी खा सकते हैं, तो इसलिए मैं कुछ ऐसा बना रही हूँ, आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, हमने यहाँ पे जो मूंगफली डाली थी उसके छिलके उतार लेने हैं। नहीं उतारते तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर मैंने उतार लिए हैं। आप देख सकते हो कुछ इस तरह से ठंडे हो चुके हैं, छिलके भी उतर चुके हैं। तो देखिए, अभी हमें क्या करना है, एक बड़ा सा मिक्सर जार ले लेना है, उसके अंदर डाल देना है सारे इंग्रेडिएंट्स और इसको हमें फाइन करना है। और हाँ फ्रेंड, आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देखिए, हमने यहाँ पे पीस लिया है, तो यहाँ पे हमें एकदम से फाइन पीस लेना है। आप देख सकते हो कुछ इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड, हमें ना इसको छान लेना है। अगर कोई मोटे दाने रह जाते हैं ना तो बड़ी आसानी से छान के बाहर आ जाता है। तो इसके लिए मैंने इसको छान लिया है। देखिए, जो बड़े मोटे दाने वो आगे से निकल जाएंगे। अभी हमने एक पैन चढ़ा दिया है गैस पे, उसके अंदर डाल दिया है 2 बड़े चम्मच भर के देसी घी। घी मेल्ट हो जाए तभी ही हमें डाल देना है यहाँ पे जो हमने पीस के रखा था साबूदाना, वो उसको डालने के बाद हमें 8 से 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे यहाँ पे चलाते रहना है। तो फ्रेंड, मैंने यहाँ पे 8 से 10 मिनट के लिए घी के अंदर भून लिया था। 10 मिनट के बाद मैंने यहाँ पे जो रबड़ी बना के रखी थी ना, वो इसके अंदर डाल देंगे हम। और इसको भी हमें लो फ्लेम पे इसको मिक्स करते रहना है, ज़्यादा देर नहीं लगती है। ये 4 से 5 मिनट में अच्छे से मिक्स हो जाता है। जब ये हमारा बर्फी पैन छोड़ने लगे तभी हमें इसको उतार देना है नीचे। अभी हम क्या करेंगे, हमने एक प्लेट पे तेल लगा के रख दिया था पहले से, तो इसके अंदर हमें बर्फ़ी जमा देनी है। तो देखिए फ्रेंड, ये बर्फ़ी हमने जमा दी है और हमने इसको ठंडा भी कर लिया है थोड़ी देर के लिए। अभी हम इसको पीसेस में निकाल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे ठंडे होने में ज़्यादा देर नहीं लगती है, जैसे ही थोड़ी ठंडी हो जाए तो हमें पीसेस बना लेने हैं। और मैं आपको अभी ये पीसेस निकाल के भी दिखा दूँ। देखिए फ्रेंड, कितनी आसानी से ये निकल के आ रहे हैं, आप देख सकते हो। बहुत ही टेस्टी एंड यम्मी लग रही है और दिख भी रही है। और हाँ, मैं आपको तोड़ के भी दिखा दूँ कितनी मुलायम बननी है, मुंह में डालते ही घुल जाए, ऐसी हमारी साबूदाना बर्फ़ी बनके तैयार हो चुकी है फ्रेंड। तो बहुत ही टेस्टी एंड यम्मी बनी थी फ्रेंड, एक बार ज़रूर से बनाइएगा। और हाँ फ्रेंड, आज की ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है वो भी कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये बच्चियाँ भी आ गई है बाहर, तो ये प्रसाद बांटने के लिए भी रेडी है। तो देखिए, यहाँ पे हमारा शौर्य ये बांट रहा है प्रसाद। और श्रेया भी आ गई थी ये मिट्टी के कलश लेके, तो वो भी गा रही थी और साथ में इसको बांट दिया था श्रेया ने भी। ये देखो, श्रेया आ गई है हमारी, तो कैसे हंस रही है अभी। ये श्रेया भी आज प्रसाद बांटेगी, रोज़ शौर्य को ये मौका मिलता है, मगर आज श्रेया साथ में आ चुकी थी तो श्रेया ने भी यहाँ पर बांटना शुरू कर दिया था। तो देखिए फ्रेंड, ये सारी लड़कियां जो बच्चियां है वो श्रेया की सारी स्कूल फ्रेंड है, तो श्रेया को भी बहुत ही अच्छा लगता है रोज़ इसकी फ्रेंड घर पे आती है प्रसाद बांटना और सारी बातें करना, मिलना जुलना। ये बच्चियां मेरे घर पे आती है ना, बहुत देर तक बैठती है, पानी वानी पीती है, नाश्ता वास्ता करती है, उसे बहुत अच्छा लगता है हमारे घर पर। तो आपको भी हमारे घर पर यहाँ पर मेरी वीडियो देखना कैसा लगता है? अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज की मेरी साबूदाना फलाहारी रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिए और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फ्रेंड, ऐसे ही नई डिश के साथ मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए बाय बाय।